नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल का अयोध्या नगर इलाका यहां के प्राचीन हनुमान और दुर्गा मंदिर में बीते 3 दिन से कुछ ज्यादा हलचल है। यहां 29 जनवरी से पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती डेरा डाल रखा है। मंदिर के ठीक सामने रोड की दूसरी तरफ एक शराब दुकान है। उमा का विरोध इस दुकान के साथ ही प्रदेश की शराब नीति को लेकर है। उनके विरोध को देखते हुए पहले पर्दा लगाकर शराब दुकान को ढक दिया गया था, वहीं मंगलवार को दुकान को बंद भी कर दिया गया। उमा का कहना है कि अगर प्रदेश की शराब नीति हमारे अनुरूप नहीं आई तो शराब दुकानों पर जो होगा वो नजीर बनेगा। उमा भारती जिस मंदिर में रुकी हैं, वहां प्लाईवुड से अस्थायी कुटिया बनाई गई है। उनके खाने पीने का इंतजाम स्थानीय लोग कर रहे हैं। मंदिर में आज तीसरे दिन भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। आज यहाँ सुंदरकांड पाठ रखा गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसके लिए सड़क की एक साइड को बैरिकेड लगाकर बंद कर टेंट लगाया गया है। उमा ने कहा इस मंदिर के सामने जो दुकान है वो पुलिस विभाग की जमीन है, यानी जिस जमीन पर थाना बनना था, जहाँ शराब रुकवाकर कानून व्यवस्था बनाने का काम होना था, वहीं शराब बिक रही है। ये मेरे लिए और भाजपा के लिए शर्मनाक है। मेरा विरोध अकेले इस दुकान को लेकर नहीं है, मेरा विरोध मध्य प्रदेश की 18,000 शराब दुकानों को लेकर है। मैं तो इन दुकानों को बंद कराना चाहती थी। देश में 2 राज्य हैं, गुजरात और बिहार, यहाँ शराब बंद है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। उमा ने कहा कि ये धरना नहीं था, अयोध्या नगर से मेरा लगाव है। यहाँ के लोग इस शराब दुकान के कारण परेशान है। दुकान बंद होने को लेकर उमा भारती ने कहा पुलिस वालों को डर रहा था कि कहीं दीदी रात में दुकान में आग न लगा दे। मैं किसी एक दुकान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर शराब नीति में हमारे अनुकूल नहीं आई तो फिर जो होगा उसका कोई रोक नहीं पाएगा, फिर वो हजारों दुकानों पर होगा। वो एक नमूना होगा इस बात का कि लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज नहीं सुनोगे तो उसके परिणाम क्या होते हैं। उन्होंने कहा अभी पता चला है कि शराब नीति पर फैसला 1-2 दिन के लिए टाल दिया गया है। आज मैं यहाँ से बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा जा रही हूँ। शराब नीति पर सरकार का फैसला ओरछा में रहकर सुनेंगे। वहाँ जो नियम विरुद्ध शराब की दुकान खुली है उसमें 11 गायों को बांधकर मधुशाला में गौशाला की शुरुआत करेंगी। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। मैं तो डर गई, इतनी डर गई मैं आपको बताऊं, अपने लिए नहीं लोगों के लिए, कि ये सरकार का वजूद नहीं मानते। बताया गया कि ये ट्रैक्टर जब सवेरे आते हैं 5 से 8 के बीच में नीचे उतरते हैं दोनों तरफ, कितनी लड़कियां स्कूल जाती हुई लड़कियां साइकिलों से गिर पड़ती हैं, कितनी महिलाएं दूध लेने के लिए गई हुई गिर पड़ती हैं, कितने नौजवान पड़ते हुए गिर पड़ते हैं, कितने लोग मर गए। मैंने कहा तो सरकार कहां गई, गायब हो गई क्या? इन लोगों के लिए सरकार का अस्तित्व नहीं है क्या? शराब वालों के लिए सरकार का अस्तित्व नहीं है क्या? इस दुकान के लिए शराब का अस्तित्व नहीं है क्या? तो ऐसे कैसे होगा अगर सरकार अपना वजूद खोती जाए। इसलिए मैं शिवराज जी को दुर्गा हनुमान मंदिर से आशीर्वाद दूंगी, आप सदा यशस्वी रहो, और मीडिया के माध्यम से अपील करूंगी सेवक की भूमिका से बाहर आओ और शासक की भूमिका में आओ, राजधर्म को पूरा करो, राजदंड हाथ में लो, सख्त सख्त से सख्त बर्ताव करो। जब मैंने खनन की बात कही तो उन्होंने मेरे को कहा कि कैसे रोके दीदी, हमने कई बार टायरों के ट्रैक्टरों के चालान करवाए, इसके साथ मैं खत्म कर दूंगी अपनी बात। तो मैंने उनको कहा कि ऐसे नहीं मानेगो, तुम्हारी बात मानते होते तो एडिशनल एसपी को मार दिया जो बेचारा डायरेक्ट आईपीएस था, कैसे मानेंगे। मैंने कहा आप ज्वाइंट एक्शन फोर्स बनाइए, 24 घंटे का नोटिस दीजिए, और अगर वो नहीं मानते हैं तो एसएएफ को लीड दीजिए और टायरों में गोली मारवाइए, दे शूट एट साइट। ट्रैक्टर नीचे उतरते दिखा, उसको रिप्लाई देना है क्वेरीज का, और अगर नहीं रिप्लाई दे पाया तो नीचे नहीं उतर सकते तुम, और एसएएफ को ये काम सोचिए सौंपिए, क्योंकि सब राजनीतिक दल और वो क्या बोलते हैं ब्यूरोक्रेट पदोन्नति वोट इस चक्कर में बहुत सारी नैतिकता गंवा देते हैं, लेकिन ऐसे ही अपने लोगों को तो वो तो आराम से हनुमान चालीसा गाते रहते हैं, सुंदरकांड पढ़ते रहते हैं, उन्हें कोई काम खास जब मिलता है तो वो कोर्ट फिर रिश्तेदारी नहीं देते, वो लट्ठे चला देते हैं, गोली चला देते हैं। तो मैंने कहा कि आप तो दो ना उनको काम, वो कंट्रोल कर देंगे। तो जब तक सख्ती नहीं बरतोगे, शूट एट साइट का ऑर्डर नहीं होगा, एंड डोंट शूट एट द ह्यूमन, शूट एट द टायर्स करो। सैकड़ों ट्रैक्टर जब घायल पड़े होंगे और खचोड़ खचोड़ के लोग जब ले जाएंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिपरिया में भी करो, भयंकर खनन देखा मैंने, ये मैंने सलाह दी है खनन पर, और ये जो सलाह है वो मैंने 5 परामर्श दिए हैं। मैं शिवराज जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, मोदी जी के लिए तो मैं जान दे सकती हूँ। अगर कोई मुझे जगत प्रकाश नड्डा जी का फोन आ गया, और मुझे शिवराज जी ने भी ओरछा में कहा कि अमित शाह जी का फोन उनको आया कि क्या मसला है, और फिर जगत जी का फोन आ गया कि दीदी आप थोड़ा धीरज रखो,
हम कल्चर डिपार्टमेंट को बोलते हैं वो परमानेंट खोल देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं शर्मिंदा होंगी, लज्जित होंगी, लेकिन मैं गंगा जल छोड़ के चली आऊंगी। तो मैं मान गई उस बात के लिए। इस बात ने भी मुझे जगत जी ने कहा कि मैं बात करता हूँ, और मेरे सामने 21 जनवरी को बात हुई। वहां से फोन किया जगत जी ने 17 तारीख की शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरे सामने, और कहा कि दीदी के साथ बैठ के और इस मामले को सॉर्ट आउट कर लो, हम भी असहमत हैं कुछ स्थितियों से। तो फिर यहाँ पर मेरी मुलाकात हो गई 21 को, 15-20 मिनट में हमारी बात खत्म हो गई, क्योंकि शिवराज जी मुझे मेरी बातों से असहमत लगे ही नहीं। तो यहाँ जो मैं रही वो धरना नहीं है, मेरे को एक फिक्र थी कि अगर 31 जनवरी को, और ये 31 जनवरी मैंने नहीं बताई, ये शिवराज जी ने मुझे बताई कि दीदी मैं 31 जनवरी को ही घोषित कर दूंगा नई शराब नीति। तो मैंने कहा ठीक है, 31 जनवरी को मैं वहां शाम तक वहां बैठूंगी, नीति सुनूंगी और मैं जय जयकार करूंगी आपका। फिर आगे का आप लोगों ने पूछा तो मैंने कहा वो मैं 1 फरवरी को बताऊंगी, लेकिन उसका परिणाम मेरे स्वास्थ्य पर इतना बुरा पड़ा और इतना व्यापक हो गया, आप यकीन नहीं करोगे। मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग तो है ही नहीं, जो है वो दिल है, सारा काम दिल से चलता है। तो ये मुझे लगा कि मैं यहाँ आके बैठ जाऊंगी तो मुझे शांति हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई, मेरे रहने की व्यवस्था। और मैंने इसको अचानक बोला 27 को शाम को, मैं इसको बोल रही हूँ कि मैं 28 को वहां पहुंच रही हूँ। ये बेचारा अपने सब साथियों को लेके, हमारे मनोज जादवन जी, सारे साथियों को लेकर के, बल्कि परिवार के लोग भी लग गए यहाँ, पुजारी जी लोग भी लग गए, पुलिस भी बेचारी लग गई, क्योंकि ये जमीन पुलिस की है, ये थाने के लिए आवंटित है। जो थाना शराब रोकने के लिए होता है उसी पर शराब की दुकान ठोक दी गई, और नियम विरुद्ध, वो तो 50 मीटर के भी दायरे में आ रही है। महामूर्ख अधिकारी, में यही गाली दूंगी, वो महामूर्ख अधिकारी है जिनने कहा 50 मीटर की दूरी रखो मंदिर से। क्या मतलब है 50 मीटर की दूरी का किसी धार्मिक स्थान से? और ये तो फिर 50 मीटर के दायरे में भी आ रही है, 50 मीटर भी नहीं, और अंदर है, ये क्यों नहीं बंद करा पाए? कोर्ट से स्टे कैसे आ गया? तो ये मुझे डर है कि नई शराब नीति में कुछ हो जाएगा, फिर टेंडर जारी हो जाएंगे, फिर वो कोर्ट में चले जाएंगे, फिर मेरे सामने हाथ खड़े कर दिए जाएंगे। अब दिक्कत क्या है, चुनाव हार जाएंगे मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस का अस्तित्व तो खत्म हो गया, मोदी जी के नाम की जय जयकार है। मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनको देखते ही लोग उनको वोट देना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, उनको निराश नहीं करना चाहते हैं। मोदी जी का जादू है जिसकी वजह से हम चुनाव जीत जाते हैं। अब यहाँ च्वाइस क्या है, अगर लोकतंत्र में च्वाइस अच्छे और बुरे में ना बचे, बुरे और बहुत बुरे में हो जाए, तो लोग बुरे को चुन लेंगे, बहुत बुरे को छोड़ देंगे, बुरे की सरकार बन जाएगी, बहुत बुरा नहीं बना पाएगा। इसलिए सरकार बनाना, और वो भी 50% वोट तो मिल ही नहीं रहा, जो मिला वो 50% है, और उसने भी जो च्वाइस की है वो बुरे और बहुत बुरे के बीच में बुरे की कर ली है, वो बड़ी उपलब्धि नहीं है। सत्ता में बना रहना बड़ी उपलब्धि नहीं है। स्वस्थ समाज की रचना करना, बच्चों के भविष्य की चिंता करना, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करना, वो बड़ी बात है। इसलिए इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।